अल्लाम वरमि वरक हमारी आज की जो वीडियो है वो एक इंतहाई संगीन मसले के मुतालिक है और वो मसला तकफीरी रविश है तकफीरियत ने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है हमारी मजहबी जमातों के वक़ार को ख़त्म कर दिया है हमारी इल्मी सकाहत को ख़त्म कर दिया है आज हम रेज़ा रेजा टुकड़े टुकड़े और लख्त लख्त हो चुके हैं माजरा ये हुआ के बाहुमान के एक कादियानी ने दोबारा कलमा तयबा पढ़ा तहरीक लब्बै के हुसैन उन्होंने एक बड़े इज्तम में उसके ईमान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अभी तक काफिर है जवाब में आ, मौलाना जलील शरकपुरी ने पूरी तहरीक लब्बै की क़्यादत को काफिर करार दे दिया और उनको काफिर करार देते हुए तजदीद ईमान की दावत दी तजदीद निका की दावत दी इस वक्त मुल्क कुफर कुफर के फतवों से अटा पड़ा है और भरा पड़ा है लिहाजा हम कब तक अपनी अना अपने गुरूर अपने तकबर दुश्मनी या ज़ाती मुखालफत की वजह से दूसरों को काफिर करार देते रहेंगे आइए मैं आपके सामने हदीस मुबारक पेश करता हूँ जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे अमल से मुकम्मल तौर पर बचने की हिदायत अता फरमाई और कितनी सख्त वईद सलाम ने बयान फरमाई सलाम ने फरमाया ये बुखारी शरीफ़ की हदीसी मुबारक है बुखारी किताबुल अदब बाबु मन अकफ़र है बग़ैर तावील बग़ैर किसी वजह के किसी मुसलमान भाई को काफ़िर करार देना आकलम ने फरमायाज़ाक इज़ा इज़ाक रजुल है या काफिर जब कोई शख्स अपने भाई से कहता है कि तू काफिर है तू काफिर है तो फिर क्या होता है सलाम ने फरमाया फ़क़द बा अब ही अहद वो कुफ़्र दोनों में से किसी एक की तरफ लौट आता है अगर तो जिसको काफिर कहा जा रहा है वो वाकई काफिर है तो फिर वो काफिर है और अगर वो काफ़िर नहीं है तो कहने वाला जो कायल है कुफ़र उसकी जानब लौट आता है आकाल इस्लाम ने सही मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत मुबारका है उसमें फरमाया इल्ला फ़रमायाजात कि जो शख्स किसी को काफिर कह रहा है अगर तो वो काफिर है यानी जिसको काफिर कहा जा रहा है तो ठीक है इट्स ओके लेकिन अगर वो काफिर नहीं है उसके अंदर कोई ईमान की अलामत पाई जा रही है तो आकाम ने फरमाया कि फिर वो कुफ़र उसकी जानब लौट आता है हदीस पाक में आता है कि एक गे के दौरान एक सिहाबी ने एक ऐसे शख़्स को कत्ल कर दिया जिसने डर की वजह से ही चाहे कलमा तयबा पढ़ लिया था अकाल इसलात उस सहाबी से सख्त नाराज़ हुए वो सिहाबी कहते हैं कि अकाल इस्लाम इतने नाराज़ हुए कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी काश मैं मुसलमान ही ना होता और आज के दिन कलमा पढ़ता ताकि इस मज़मूम अमल से बच जाता तो कोई शख्स अगर आपके सामने इजहार कर रहा है कलमा तयबा पढ़ने से और मुसलमान हो रहा है तो आपको क्या हक़ है कि उसके दिल में झांकें तहरीक लब्बैक की तरफ से भी गैर जिम्मेदाराना रवैया आया और इधर से मौलाना जलील शरकपुरी साहब की तरफ से भी गैर जिम्मेदाराना रवैया आया अब ये कुफ़र की जंग है हमारे यहाँ तो बचपन से हम दीवारों पर काफिर काफिर के नारे पढ़ते आए हैं एक दूसरे को तकरीर के खुतबों में जुमे के खुतबों में वाजों में हम कुफर के फतवे लगाते आए हैं पता नहीं हमारा ईमान भी बचा है या नहीं बचा प्लीज़ इस पर गौर